गलत चिल्ला रहा है। क्या हुआ, काहे गला फाड़ रहे हो? अरे अम्मा से पूछिए आप, हम काहे चिल्ला रहे हैं, पूछिए इनसे क्यों इन्होंने रेवा जी को बाहर वाले कमरे में भेजा था, वो भी इतनी रात को। हाँ तेरी बीवी कोई शहर की डीएम है ना, जो हम उससे कोई काम नहीं करवा सकते। आपको बोले अरे आपको हलवा खाना था ना, तो हम इसे बस भेजे थे वहाँ पे कढ़ाई लाने के लिए, ताकि हम सबके लिए हलवा बना सकें। लेकिन भैया हमें क्या पता था इतनी सी बात के लिए राघव इतना तिल मिला जाएगा। हमारी बहू नहीं है क्या ये? अगर इतनी ही कीमती है तेरी बीवी तो इसे डब्बे में सजा के रख। राघव बोला अम्मा हम इस बात पर नहीं चिल्ला रहे हैं कि आपने रेवा को रेवा से काम करवाया, हम इस बात पे चिल्ला रहे हैं कि आपने उन्हें मारने की कोशिश की है। गायत्री बोली अच्छा अब तेरी बीवी से काम करवा दिया तो तू मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। रेवा यहाँ से शांत रहने के लिए बोलती है राघव को। राघव नहीं रेवा जी, अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो इनकी साजिशें दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। और हाँ आप सबको जानना था ना हम अम्मा पे क्यों चिल्ला रहे हैं? हम इन पे इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो बाहर वाले कमरे के दरवाजे के ऊपर नुकीला हथियार छुपाया था इन्होंने, ताकि रेवा जी दरवाजा खोले और वो हथियार इनकी जान ले सके। राघव बोला वो तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ पहुँच गए, वरना आज रेवा जी की जान जा सकती थी। गायत्री बोली हाय राम ये सब कब हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगी रेवा तुमको? उबल, ए उबल सिंह, यहाँ सर लाइन लेना होगा।